खरगोन में विधायक सचिन यादव के मंत्री बनने के बाद समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। बावड़ी बस स्टैंड क्षेत्र में समर्थकों ने आतिशबाजी करते हुए ढोल की थाप पर जमकर जश्न मनाया। सचिन यादव के मंत्री बनने के बाद में समर्थकों ने आतिशबाजी के साथ लड्डू बांटते हुए खुशियां जाहिर की। सचिन यादव ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते हुए कसरावत की परंपरागत जीत को बनाए रखा। हालांकि अंतर कम रहा, फिर भी जीतने के बाद जो क्षेत्र की जनता उम्मीद की जा रही थी वह कामयाब हुई। निमाड़ से विजय लक्ष्मी साधो को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। इस प्रकार निमाड़ में कांग्रेस का पिछला इतिहास जारी है, जब नर्मदा के दोनों ओर मंत्री बनाए गए हैं। आज हमारे प्रदेश के लिए और हमारे निमाड़ क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है कि स्वर्गीय श्री सुभाष यादव जी के छोटे सुपुत्र श्री सचिन यादव जी विधायक कसरावत को केंद्रीय अपने कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, और इससे हमारे निमाड़ के सभी विकास के द्वार खुलेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और इसी खुशी के मौके पर मैं आप सबका और कमलनाथ जी का और माननीय राहुल गांधी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र को एक अच्छा प्रतिनिधित्व तो दिया है, युवा प्रतिनिधि दिया है, जो जाकर इस प्रदेश को और उन्नति के शिखर पर ले जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। और मेरी उम्मीदों को पूरा करेंगे ये सचिन यादव और सुभाष यादव जी के सपने को साकार करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मैं ये आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ और बहुत बहुत बधाई है तो आप सबको कि हमारे इस पुनीत और अच्छे उत्साह के मौके पर आप सब उपस्थित हुए और हमको सहयोग किया। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। आतिशबाजी की गई, मिठाइयां बांटी गई, ये प्रदेश की उन्नति और निमाड़ की उन्नति को लेकर जो हमारे भाई सचिन यादव को कैबिनेट में लिया गया, उसी की खुशी में हमने मिठाई और आतिशबाजी का आयोजन रखा था। और प्रदेश इसमें खुशहाली आएगी और हर किसान और हर मजदूर को उसका हक मिलेगा, यही हम कामना कर रहे हैं। और आगामी 6 महीने में अच्छे दिन जरूर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज, खरगोन।